दोस्तों क्या आपको पता है कि महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद एक रात को अचानक ही पुनर्जीवित हो गए थे युद्ध में मारे गए सभी वीर। क्या थी इस खास कहानी के पीछे का असली मुख्य रहस्य और कारण, आज की इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक अद्भुत घटना के बारे में बताएंगे। महाभारत युद्ध में मारे गए समस्त शूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। ये घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई थी। इसके साथ ही आज हम आपको बताएंगे धृतराष्ट्र, गंधारी, कुंती और विदुर की मौत आखिर कैसे हुई थी। दोस्तों राजा बनने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म और न्याय पूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र और गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्य कार्य करते। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि भी सदैव धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा में लगे रहते। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति हमेशा द्वेष भाव ही रहता। भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी ऐसी बात कह देते जो कहने योग्य नहीं होती। इस प्रकार गांधारी को पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजर गए। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ। तब धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के आश्चर्य में रहते अब बहुत समय हो चुका है, इसीलिए अब वन में रहना उचित होगा। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र के साथ वन जाने में सहमति दे दी। धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ विदुर और संजय भी वन को जाने लगे। दोस्तों वन जाने का विचार कर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया और उनके सामने पूरी बात कही। पहले तो युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ विदुर और संजय भी वन जा रहे हैं तो उनके शोक की सीमा नहीं रही। धृतराष्ट्र ने बताया कि वह कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन के लिए यात्रा करेंगे और वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों और अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा। भीम ने द्वेषवश धृतराष्ट्र को धन देने से इनकार कर दिया। तब युधिष्ठिर ने उन्हें फटकार लगाई और धृतराष्ट्र को बहुत सा धन देकर श्राद्ध कर्म संपूर्ण करवाया। तय समय पर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर और संजय ने वन यात्रा प्रारंभ की। इन सभी को वन जाते देख पांडवों की माता कुंती ने भी वन में निवास करने का निश्चय किया। पांडवों ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन चली गई। धृतराष्ट्र आदि ने पहली रात गंगा नदी के तट पर व्यतीत की। कुछ दिन बाद वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर और संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यहाँ महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर सभी महर्षि शूतयुपक के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे और तब से उनके शरीर का मांस सूख गया। सिर पर महर्षियों की तरह जटा धारण कर ली और वह कठोर तप करने लगे। तब से उनके मन का मोह दूर हो गया और गांधारी और कुंती भी तप में लीन हो गए। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या क्या करते। इस प्रकार वन में रहते हुए धृतराष्ट्र आदि को लगभग 1 वर्ष से भी अधिक का समय बीत चुका था। इधर हस्तिनापुर में एक दिन राजा युधिष्ठिर के मन में वन में रह रहे अपने परिजनों को देखने की इच्छा हुई। तब युधिष्ठिर ने अपनी सेना प्रमुखों को बुलाया और कहा कि वन जाने की तैयारी करो, मैं अपने भाइयों और परिजनों के साथ वन में रह रहे महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी और माता कुंती आदि के दर्शन करूंगा। इस प्रकार पांडवों ने अपने पूरे परिवार के साथ वन जाने की यात्रा प्रारंभ की। पांडवों के साथ वह नगरवासी भी थे जो धृतराष्ट्र आदि के दर्शन करना चाहते थे। पांडव अपनी सेना के साथ चलते चलते उस स्थान पर आ गए जहाँ धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती रहते हैं। जब युधिष्ठिर ने देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों के वेश में अपने परिजनों को देखकर उन्हें शोक हुआ। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी अपने पुत्र और परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब युधिष्ठिर ने वहां विदुर जी को नहीं देखा तो धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा। धृतराष्ट्र ने बताया कि वह कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर पुनः लौट गए। युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए पीछे पीछे दौड़े। तब एक पेड़ के नीचे उन्हें विदुर जी खड़े हुए दिखाई दिए। उसी समय विदुर जी ने शरीर से प्राण निकाल लिए।
और युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी के शरीर में प्राण नहीं है तो उन्होंने उनका दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। तभी आकाशवाणी हुई, विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते हैं, इसीलिए उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है। ये बात युधिष्ठिर ने आकर महाराज धृतराष्ट्र को बताई। युधिष्ठिर के मुख से ये बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर आदि ने वह रात वन में ही बिताई। अगले दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए और जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज यानी कि यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश है, इसीलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर में समा चुके हैं। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा है वो मांग लो। तब धृतराष्ट्र, गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों और तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वह अपने परिजनों को देखना चाहती है और महर्षि वेदव्यास ने कहा ऐसा ही होगा, युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडवों और कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के पांचों पुत्र, राजा द्रुपद, दृष्टयुमन, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में भी किसी भी प्रकार का अहंकार क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए और अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन को संतोष हुआ और अपने मृत पुत्रों, भाइयों, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। तो इस तरह महर्षि वेदव्यास के कारण ही एक रात के लिए यानी कि 15 साल बाद महाभारत के युद्ध के सभी जितने भी वीर योद्धा थे जीवित हो पाए थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये जानकारी अच्छी है तो वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि द भक्ति में ही है असली शक्ति।